हिमाचल पथ परिवहन निगम मंडी डिपो में तैनात चालक सोहनलाल की हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई। चालक सोहनलाल एचआरटीसी मंडी डिपो से मंडी टू कलहणी रूट पर निकले थे और सराज विधानसभा क्षेत्र के बागा चुनौगी नामक स्थान पर पहुंचते ही उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके चलते चालक सोहनलाल ने सूझबूझ दिखाते हुए गाड़ी को वहीं साइड में लगा दिया। वहीं उनकी बिगड़ती तबीयत को देखते हुए परिचालक व एचआरटीसी के अन्य साथी उन्हें नेरचौक अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृत्यु की खबर सुनते ही एचआरटीसी परिचालक यूनियन मंडी शोकाकुल है। वहीं एचआरटीसी परिचालक यूनियन के महासचिव केशव राम और एचआरटीसी मंडी के मुख्य निरीक्षक पवन कुमार ने बताया कि मृतक सोहनलाल पुत्र गंगाराम उम्र 37 वर्ष गांव ददो सराज के रहने वाले थे और मंडी डिपो में बतौर चालक अपनी सेवाएं दे रहे थे। कल सुबह 10 बजे का टाइम लेकर हमारे चालक श्री सोहनलाल जी मंडी सराची टाइम लेकर जा रहे थे। कल नामक स्थान पर उनका हृदय गति रुकने के कारण अकस्मात निधन हो गया और उनको वहां से एम्बुलेंस में मेडिकल पहुंचाया गया, मगर वहां तक पहुंचते पहुंचते वो अपने जो है शरीर छोड़ चुके थे और अभी मेडिकल कॉलेज में उनके उपचारिकता मेडिकल जो भी हुआ उसके बाद उनकी जो डेड बॉडी है उनको पैतृक गांव सम्मान के साथ उनके घर ले जा रहे हैं। बड़ा घात लगा हुआ निगम को इससे, बहुत बहुत ही मिलनसार और बहुत ही कर्मठ कर्मचारी था हमारे एचआरटीसी का। हमने एक बहुत अपना अनमोल हीरा खोया है, जिसकी हमें कभी भी उसकी क्षति कभी हम पूरी नहीं कर सकते जीवन में। एक बहुत ही ईमानदार और अच्छा काम करने वाला सब अच्छा चालक था हमारे एचआरटीसी में, अच्छी छवि का इंसान था जिसकी क्षति हम कभी पूरी नहीं कर सकते। और उनके परिवार को हम यही चाहते हैं कि उस भगवान उनको उस दुख से निकलने की शक्ति प्रदान करें।